राजधानी शिमला के मॉल रोड पर बने लाला लाजपत राय के स्मारक पर उनकी पुण्यतिथि के मौके पर आज पुष्पांजलि अर्पित की गई। विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने देशभक्ति गीतों व भजन गायन की प्रस्तुति दी। शिमला से सुरेंद्र चौहान जी लाला लाजपत राय जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस मौके पर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के साहस की गाथा देशवासियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेगी। लाला लाजपत राय अंग्रेजों की लाठियां खाकर शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय उन महान सपूतों में से एक थे जिनकी बदौलत हम आज आजाद भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसलिए देश के महान सपूतों को याद करना हमारा कर्तव्य है। लाला लाजपत राय देश के उन महान सपूतों में से थे जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है, जिनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है और शेरे पंजाब के नाम से उनको जाना जाता है। अंग्रेजों की लाठियां खा के उनका शहीद हुए थे वो देश की आज़ादी के लिए। उन्होंने मेरे इसमें हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि जब भी इन महान सपूतों का पुण्यतिथि या डेथ एनिवर्सरी होती है या उनके बारे में उस महान सपूत को याद करना हमारा एक कर्तव्य भी है कि जिन्होंने आज हम खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं, इनकी वजह से ले रहे हैं। जितने भी देश की आज़ादी और कुर्बानियाँ दी इन लोगों ने, तो उनको हमेशा हमें याद भी रखना चाहिए। और लाला लाजपत राय उन सपूतों में से थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान भी न्योछावर की और शेरे पंजाब का जो उनको ख्याति प्राप्त हुई उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज हम सब तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों की को याद करना चाहिए हमें, ताकि जिन्होंने हमें आज हम उनकी वजह से खुली हवा में सांस लें।